Brothers and sisters, thank God for the word. परमेश्वर को धन्यवाद हो भाइयों बहनों. The verse that he was referring to is James chapter 4. यूहन्ना याकूब चौथा अध्याय. Verse 8. उसका आठवां वचन. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो. So we heard that now in the new covenant the Holy Spirit lives within us. हमने सुना कि अभी इस नए वाचा में पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है. Here this word says draw near to God and he will draw near to you. यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. That means that even though the Holy Spirit lives within us, इसका अर्थ ये है कि यद्यपि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, our mind and our attitude and our concentration on maybe on other things, हमारा जो मन है, हमारी मनोवृत्ति है और हमारी जितनी भी सोच विचार है वो सब कुछ किसी और चीज पर हो सकता है. Especially if we commit some sin and we don't go to God, then we find that the presence of God is far away. खास करकर जब हम कोई पाप करते हैं और परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है ये समझ पाते हैं. See, many times it can be in our conversation, the way we speak may not be the way that Jesus speaks. कहीं बार ऐसे हो सकता है कि किस तरीके से हम बातें करते हैं उस तरीके से नहीं होगा जैसे यीशु मसीह बात करते हों. मैं स्पीक विद अ एंग्री टेंपर, गुस्से से बात करना. एंड मैं स्पीक समथिंग व्हिच आफ्टरवर्ड्स यू मे रिग्रेट, और ऐसी कुछ बात बोल देना जिसके बारे में बाद में सोचकर पछतावा हो आपको. दिस इज वन वेरी कॉमन थिंग व्हिच हैपेंस टू ऑल ऑफ अस. ये एक साधारण सी आम बात है जो हम सभी के साथ होता है. आई नो दैट बिकॉज़ yesterday it happened to me when I was speaking to somebody. मुझे ये बात पता है क्योंकि कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे साथ भी ये हुआ. So it's after a long time when something happens like that and you feel so bad. और कहीं लंबे अरसे के बाद कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें बुरा लगता है. So the thing is that we need to really always value the presence of God. बात तो ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का जो महत्व है उसे हमेशा अपने मन में रखना है. But sin of any type, whether it's thought, word or deed, causes a barrier between us and God. कोई भी तरीके का पाप हो, बातों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, ये सब कुछ परमेश्वर के और हमारे बीच में एक अंतर ले आता है. And if we keep on not drawing near to God whenever we fall, और जब भी हम गिर जाते हैं और परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश नहीं करते हैं, then our the things that we have neglected or rather sin, the thing piles up. और जो चीजों को हमने नजरअंदाज किया, जो पापों को, वो हमारे जीवन में बढ़ते जाता है. And then what happens? The presence of God we don't feel only. और फिर क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का हमें अनुभव ही नहीं होता. The sensitiveness towards God goes off. परमेश्वर की प्रति हमारी जो भावुकता है वो चली जाती है. And then we become like a natural man and keep on committing more sins. और हम एक साधारण से आदमी जैसे बन जाते हैं और पाप करने लग जाते हैं. But if we draw near to him whenever we fall, और जब भी हम गिरते हैं अगर परमेश्वर के निकट जाते जाएंगे, then we can have the nearness of God with us. फिर परमेश्वर की वो नजदीकपन है हमारे जीवन में होगा. See, many times Christians feel that you know I am falling so many times whether God will accept me. और कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैं बहुत बार गिर जाता हूँ कि क्या प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे. After so many years I'm a Christian and I'm still behaving like this, so whether really God will accept me? बहुत वर्षों से एक मसीही हूँ, अभी भी मेरा बर्ताव ऐसा ही है, तो क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेंगे? Have you felt like that? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? Maybe some of you or many must have felt like that. आप में से कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा. But read this in 1 John chapter 2. हम देखते हैं पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय. Verse 1. पहला वचन. My little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। So we have spoken about this verse before also. इस वचन के बारे में इससे पहले भी हमने बात की है। See the word of God and everything what we are hearing is so that we will not sin. और ये परमेश्वर का वचन है, जो कुछ भी वचन हम यहाँ पे सुनते हैं ताकि हम पाप ना करें। Because sin will always not make our life happy. क्योंकि पाप जो है हमारे जीवन को आनंदमय नहीं बनाएगा। There are some things which are very pleasurable. कुछ चीज ऐसे होती है जो कि बहुत आनंदमय होता है। But afterwards the pleasures not there. परंतु कुछ समय के बाद वो जो खुशी है वो वहाँ पे नहीं होती। Afterwards it is sadness. फिर वो दुख में लेके जाता है। See, people who watch pornography, there is a pleasure in that. देखिए लोग जो अश्लील चित्र देखते हैं उसमें उनको कुछ आनंद मिलता है। That's why they're watching it. इसलिए वो देखते हैं। But afterwards they are trapped in it. फिर बाद में वो उसमें फंस जाते हैं। And they want to get out of it. वो उसमें से बाहर निकलना भी चाहते हैं। But they're not able. परंतु वो नहीं निकल पाते। So this is what sin does. यही पाप भी करता है। I pray that none of our children will ever see pornography. और मैं आशा रखता हूँ कि हम में से कोई भी हमारे कुछ कोई भी बच्चे जो है ऐसे अश्लील चित्र ना देखें। Brothers and sisters, I have got emails from people who, as they are writing the letter, they are crying. और भाइयों बहनों, ऐसे मैंने खत पढ़े हैं, किसी कुन लोगों के ईमेल पढ़े हैं, जैसे ही वो लिखते हैं वैसे वो रोते रोते लिखते थे। So that is the state that sin takes us. ये एक स्तर की और पाप हमें लेके जाता है। So some of us, most of us have not gone in that direction. हमें से कई लोग उस दिशा में नहीं गए होंगे। But we fall in our speech. परंतु हम गिर जाते हैं हमारे बातचीत में। Maybe some jealousy. हमारे जलन में। And so many areas we can fall. और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें गिर सकते हैं। Okay, but what we must do? पर हमें क्या करना चाहिए? This verse says, if anyone sins, we have an advocate with the Father. पर हमें क्या करना चाहिए? ये वचन कहता है कि अगर कोई पाप करे तो उसके पास हमारा एक सहायक है। This verse is given for all of us. ये वचन हम सभीयों के लिए दिया गया है। For our encouragement. हमारे प्रोत्साहन के लिए। That we will draw near to God. ताकि हम प्रभु की ओर निकट जाएं। Because we have an advocate with the Father. क्योंकि हमारे पास पिता हमारे लिए पिता के पास एक सहायक है। Jesus is on our side. यीशु मसीह हमारी तरफ है। He's a lawyer. He's a high priest who sympathizes with us. वो हमारा महायाजक है, वकील है, जो हमारे साथ हमारे से तरस खाता है। So then, even though the devil says there is no hope, we must always go to him. अगर ये भी शैतान कहे कि कोई आशा नहीं है, तो भी हमेशा हमें प्रभु के निकट जाना ही है। And then we know the verse in 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. पहला योना पहला अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम हमारे पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करके छोड़ दे तो परमेश्वर इतना विश्वास योग्य कि वो हमें क्षमा करके शुद्ध कर देगा। So how we have to do it is read Hosea 14. हमें पढ़ना है होसिया की किताब उसका 14 अध्याय। Verse, see, even in the Old Testament, God was always telling the people of Israel to return to Him. हम देखते हैं पुराने नियम में भी परमेश्वर हमेशा इज़राइल जन को कहते हैं कि वापस आओ मेरे पास। The New Testament also says, draw near to God. और नए करार में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आना है। God is telling us to draw near to Him. परमेश्वर कहते हैं कि उनके पास हमें निकट जाना है। In spite of our sin. हमारे पापों के रहते हुए भी। Okay, so it says here, verse 2. दूसरा वचन कहता है। How to come to God? परमेश्वर के पास हम कैसे आएं? Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity and receive us graciously that we may present the fruit of our lips. बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर, उससे कर सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। So take words. तो हमें वचन लेना है। So we don't just go to God and just remain quiet there. हम सिर्फ परमेश्वर के पास जाके ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। So, Lord, I have failed you. हम कहेंगे कि प्रभु हमने आपको पराजित किया है। I'm sorry for the way I spoke. मैंने जिस तरीके से बात की उसके लिए मुझे क्षमा करें। I'm sorry for the way I my thoughts went. मुझे क्षमा करें कि मैंने किस प्रकार से सोच विचार किए हैं। Whatever is, just tell it to the Lord. और जो कुछ भी है आप से प्रभु से कह दीजिए। And please forgive me. और मुझे क्षमा करें प्रभु। And God's word is that he will forgive us. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें क्षमा कर देगा। And then we are back in his presence. फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ पाएंगे। Must always remain in his presence. और हमेशा उनकी उपस्थिति में बने रहेंगे। मेरे मन में भी यही वचन आ रहा था, याकूब का 4 उसका 8 का।
इवन इन माई माइंड दिस वर्स वॉज कमिंग जेम्स 4:8 कि परमेश्वर के निकट आओ draw near to God तो वो तुम्हारे निकट आएगा and he will draw near to you और ये पापियों अपने हृदय को शुद्ध करो ये पापियों अपने हृदय को शुद्ध करो you sinners purify your hearts और अपने हृदय को पवित्र करो and purify your minds so ये वचन सिखा रहे कि परमेश्वर मैं बताना चाहता हूं कि ये वचन जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है I want to tell you this verse was written for whom was it written? ये believer के लिए लिखा या non-believer के लिए? Was this written for a believer or for a non-believer? हम देखते हैं कि ये believer के लिए लिखा है. We see that this was written for a believer. और वो बता रहे कि परमेश्वर के निकट आओ. And it says come near to God. मतलब परमेश्वर के करीब आओ पश्चाताप मन लेकर. That means come near to God with a heart of repentance. पश्चाताप करो मन फिराओ यीशु के पास आओ. Come to God with a heart of repentance and. और लिखा है कि दुखी हो जाओ. नौ में लिखा है. And in verse 4:8 में 9. James 4:9. James 9 it says, 4:9 it says that be sad. और शोक करो और रो लैमेंट एंड मोर्न एंड वीप तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए लेट योर लाफ्टर बी टर्न टू मॉर्निंग एंड योर जॉय टू ग्लूम और ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए जब भी हम परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं दिस शुड बी आवर एटीट्यूड व्हेनेवर वी सिन अगेंस्ट गॉड क्या हमने पश्चाताप करना मन फिराना छोड़ दिया है हैव वी स्टॉप्ड रिपेंटिंग एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस या हम ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे कि पाप बहुत हल्का है और आर वी शोइंग द एटीट्यूड दैट सिन इज अ लाइट थिंग तो नहीं मेरे प्रिय भाइयों नो दिस शुड नॉट बी सो ये चीज परमेश्वर से हमको अलग करता है दिस कीप्स अस अवे फ्रॉम गॉड जैसे ब्रदर मैथ्यू ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हमको लाइक ब्रदर मैथ्यू एक्सप्लेन टू अस वेरी नाइसली यू नो एक बार मैं ऑफिस में था वन डे आई वाज इन द ऑफिस एक कॉन्ट्रैक्टर से जिस तरीके से मैंने बात किया वो सही नहीं था And the way I spoke to the contractor, it was not right. और मैं ऑफिस से अपना घर निकला. And when I was coming back from office to home. तो परमेश्वर मुझे एहसास कर रहे थे कि तूने गलत उस व्यक्ति से बात किया है. And God made me realize that I have spoken badly to that person. तो मैं सोचा मैं ट्रेन पकड़ के दादर पहुंच गया. And I had taken the train and reached Dadar. और मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि उसके पास जाऊं और उससे वापस माफी मांगूं मैं. And I had no desire to go back and ask for forgiveness. मैं अंदर ही सोच रहा था कि प्रभु मैं अभी दादर पहुंच गया ऑफिस में को जाना पड़ेगा उससे चल के जाना पड़ेगा अंदर ऑफिस में जाके उसको ढूंढना पड़ेगा फिर उसे माफी मांगना पड़ेगा ऐसा. I was telling God, I've already reached Dadar. Now I have to go back, look for him in the office and ask him forgiveness. तो प्रभु ने ही काम किया ये ऐसा नहीं कि मैं किया करके बता रहा हूँ बट प्रभु देखो किस तरह काम करता है बट गॉड डिड दिस एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट आई डिड इट बट जस्ट सी हाउ गॉड प्रभु ने मुझे ऐसा मन दिया कि उसके पास वापस जाऊँ मैं बट गॉड गेव मी दिस बर्डन टू गो बैक टू दैट मैन और उस भाई से जाकर मैं मिला और उसको बोला सॉरी मैं जिस तरीके से आपको बोला आई एम रियली सॉरी मैं को इस तरह से नहीं बोलना चाहता आई वाज एबल टू मीट दैट ब्रदर एंड आई वाज एबल टू टेल हिम आई एम सॉरी फॉर द वे आई स्पोक टू यू आई शुडंट हैव स्पोकन टू यू इन दैट वे भाई मुझे माफ कर दो brother please forgive me aisa bolke nikal gaya maine dekha ki parmeshwar ka peace wapis aa gaya and I said this and I came away and I could experience god's peace back in my heart humko ye aapko pata hai ye humko anubhav har din karna chahiye and do you know we need to have this sort of experience every day hum perfect nahi hai but perfection ki or badh rahe we are not perfect yet but we are heading towards perfection main batana chahta hu ki aap jaise brother matthew bol rahe the ki ye kab tak chalega ye chalte rahega main maafi mango maafi mango maafi mango brother matthew is telling how long will it go on to ask for forgiveness keep on asking forgiveness main batana chahta hu ye baat zara dhyan se suno I want to tell you this thing listen carefully parmeshwar aapko us stage pe leke jayega ki aap bar 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 paap mein girna wo aapke jeevan mein khatam hoega main ye nahi bola perfect hoega बट वो आपका लाइफ के अंदर उन्नति आएगा आप वो नहीं गिरोगे उस चीज पे दैट वन डे यू विल रीच अ पॉइंट दैट यू विल नॉट बी सिनिंग अगेन एंड अगेन नॉट दैट यू विल बी परफेक्ट बट यू विल रीच दैट पॉइंट इन लाइफ वेयर
God will take you to a point where you'll not be sinning again and again. आपको जिन में चला जाएगा यार बार 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 मैं प्रभु मैं कितने बार मैं यही चीज के लिए माफी मांगा है वो परमेश्वर आपको वहाँ से उठाएगा और दूसरे स्टेज में लेके जाएगा. You may be in a state where you may be saying, God, how many times will I be sinning and falling into the sin? But God will take you from that state to a higher state. वो चीज मैं प्रभु के अंदर अनुभव कर रहा हूँ. And I want to experience that in God. धन्यवाद. Thank you. भाई किरण के द्वारा और भाई मैथ्यू विजय के द्वारा प्रभु एक प्रवचनात्मक वचन हमारे बीच में लाने के लिए धन्यवाद करता हूँ. We heard a very encouraging message from brother Kiran, brother Matthew and brother Vijay. So प्रभु कहता है कि उनके निकट आओ तब वो हमारे निकट आएगा. So God says that we need to come near to God and then God will come near to us. आपको पता है हम एक गीत गाया है आंख के बदले आंख बुराई का सामना है. Do you know we sang a song that eye for an eye is जुना करार में ऐसा था कि किसी के आंख अगर आपने निकाल दिया परमेश्वर खुद बोलते उसका आंख भी निकाल दो. In the Old Testament God gave this commandment that if anyone has removed your eye that God said that you also go and remove that person's eye. किसी ने तप्पड़ मारा तो उसको तुरंत उधर ही तप्पड़ मार दो. If someone slaps you then you also immediately slap that person. Don't wait. उस समय तक इंतजार मत करो कि क्षमा करूंगा ये सब सोचने के टाइम नहीं है तुरंत मार दो. Don't wait that okay I'll forgive and that you come to that point of forgiveness immediately you slap that person. जब नया करार में आते हैं चेंज हो जाते हैं. But when we come to the new covenant this whole thing changes. बोलते हैं तप्पड़ मारा तो अभी दूसरा तप्पड़ दो दूसरा गाल दो. Jesus says that if someone slaps you on one cheek turn your other cheek. जुना करार में किसी की खेत में कोई गाय या बैल जाके उसकी खेत की नुकसान कर दिया तो उसकी चार गुना या कुछ गुना वापस उस वानर को देना पड़ता था. In the Old Testament it says that if your animal your cattle your cow or your bull goes to another field and eats that crop then you the owner of the animal has to repay back four times. जब नया करार में आते पूरी तरह से बदल जाते हैं. But we come to the new covenant and this whole thing changes. यीशु ने कहा कि अगर किसी ने आपके ऊपर के कपड़ा मांगा. If in Jesus says if somebody asks for your outer clothes. कल्पना करो आपकी शर्ट मांग लिया. If some just imagine somebody asks for your shirt. आपका दूसरा कपड़ा जो वो है वो भी दे दो. Then Jesus said the other garment that you have you give that also. जैसे भाई किरण ने आज शेयर किया कि जेम्स की 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ और वो आपके निकट आएगा. Here brother Kiran shared the James 4:8 verse where it says that come near to God and then God will come near to you. आपको पता है ये वचन जब मैं बोल रहा था इसके साथ एक वायदा जुड़ी हुई थी. And you know they along with this verse there's a promise also attached. परमेश्वर को वचन ध्यान से पढ़ना क्योंकि कई बार हम कई अद्भुत चीज भूल जाते हैं उसमें से. So we need to read God's word very carefully because we miss amazing things. तो इस शीर्षक को वापस दोहराना चाहता हूँ परमेश्वर के निकट आओ. So I want to repeat it again. Come near to God. एक आज्ञा है ये. This is a command. अब इसके साथ एक वायदा भी है. And there's a promise attached to it. क्या है वो वायदा? What is that promise? वो आपके निकट आएगा. That God will come near to you. यानी जो परमेश्वर के वचन में एक वायदा और एक आज्ञा जो साथ में है. So in God's word there's always a command and a promise going together. तो कितना अद्भुत रीति से है. And it's so amazing. कई बार हम लोग हाईवे से ट्रैवल करते हैं. Many times we travel by the highway. कल्पना करो आप गोरेगांव से मुंबई जाना है आपको. Just imagine you have to go from Goregaon to Mumbai. By car या by bike आपको मुंबई जाना है कम से कम 40 या 50 minutes लगेगा. So even if you're going by car or by bike, it will take a minimum of 40 to 50 minutes. लेकिन असलियत में आपको जाना है विरार. But actually you need to go to Virar. लेकिन आपकी आपने गलत रास्ता को चुन लिया आप मुंबई की ओर से जा रहे हैं. But you chose the wrong direction and you're going towards Mumbai. और जानते हैं आप हाईवे पे जा रहे हैं. And you're going by highway. और जानते हैं हाईवे पे जाते समय कई बार आप देखते हैं कि there is no U-turn. वहाँ पर U-turn नहीं लेना है. And many times you'll see that there's no U-turn and U-turn is not allowed. लेकिन आपको जाना है विरार लेकिन आप गलत रास्ते से मुंबई साइड जा रहे हैं. But you need to go to Virar and you're on the wrong route going towards Mumbai. लेकिन जब आपको मुड़ने की जगह पर वहाँ पर लिखा है यहाँ पर U-turn नहीं है. But when you need to take a U-turn, it's not allowed.
आप क्या करेंगे? अगला रास्ता पे जाएंगे, आगे हाईवे पर जाएंगे, शायद देखेंगे कि अगला यू टर्न है क्या. बट यू विल कंटिन्यू एंड यू विल लुक फॉर द नेक्स्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट अ यू टर्न. अगर आपके पास यू टर्न है तो वहाँ पर मुड़ सकता है, शायद आप 1-2 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा. If there's a U-turn, you will take a U-turn and it may be 1-2 kilometers further. Brothers and sisters, कल brother Jack के message सुन रहा था, उसने एक वचन मुझे बहुत छू लिया. Brothers and sisters, yesterday we were listening to brother Jack message and one verse touched me. आप गलत रास्ते पे highway पे कितने भी लंबे जाओ. And if you're, it says if you're on the highway on the wrong direction. आप कई किलोमीटर आगे चले गए highway पे गलत रास्ते पे. And you're many kilometers away on the highway in the wrong direction. आपके जीवन में कई गलतियाँ किया है. And you've done many mistakes in your life. मैंने अपने जीवन में कई गलतियाँ किया है. In my life, I've done many mistakes. क्या मेरे लिए अभी आशा है? And is there hope for me? क्या मेरे लिए तुरंत यू-टर्न है वहाँ पर मुड़ने के लिए? And will there be a U-turn for me to turn back? जहाँ पर मुझे मुड़ने का है, लेकिन वहाँ पर लिखा है नहीं मुड़ना है. Where I want to turn back, there it says there's no U-turn. Brothers and sisters, आप मसीह को स्वीकार किया है, आपके पास और मेरे पास आज भी आशा जीवित है. Brothers and sisters, if you accepted Jesus, then today, even today, there's a hope for you. आप हर एक के पास और मेरे पास एक आशा आज भी बची है अगर आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया हो. And everyone who's accepted Jesus, even today, there's hope for you. Second Corinthians में एक वचन लिखा है. In Second Corinthians, there's a verse. वहाँ पर लिखा है कि जब कभी हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं वो पर्दे जो है हट जाता है. सेकंड कुरिन्थियंस 3 वर्स 16. सेकंड कुरिन्थियंस 3 वर्स 16. डू यू नॉट नो? सेकंड कुरिन्थियंस 3:16. Here in 2 Corinthians 3:16 it says, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. यहाँ पर लिखा है कि जब कभी हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, पर्दा निकाल दिया जाएगा. Here it says, whenever we turn towards God, that the veil is taken away. कल्पना करो, इस दीवार के पीछे यीशु मसीह खड़ा है. So just imagine that behind this wall, Jesus is standing. आप यहाँ पर खड़े हैं. And you're standing on this side of the wall. लेकिन आप और यीशु मसीह को मिलने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई. And to for you to come to Jesus, there's a huge wall. आप यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं. You want to meet Jesus. तो क्या चीज रुकावट है यहाँ पर? But what is stopping you? ये दीवार टूटना चाहिए. That this wall needs to come down. यही वचन कुरिन्थियों में लिखा है कि जब कभी हम परमेश्वर की ओर टूटते हैं, वो जो पर्दे जो है हट जाता है. And that's what this verse says in 2 Corinthians. Whenever you turn towards Christ, that veil is taken away. यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा था, इज़राइल में जो मंदिर था, वहाँ पर जो पर्दा थी, ऊपर से नीचे तक दो बार टूट गई. And when Jesus was crucified on the cross, the veil in the temple was torn from top to bottom. वो हमें क्या बताता है? What does this tell us? आप और परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है अभी. That there is no nothing to stop us from entering into God's presence. आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते थे. Earlier we couldn't come near God. आप परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते थे. Earlier we couldn't meet with God. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के कारण जो पर्दा जो टूट गई जो पर्दा टूटी है उसके कारण अभी मौका मिल गया आप और मुझे. But after Jesus was crucified on the cross, that veil which was broken, now we got the chance. So आज आप और मेरे पास मौका था उस पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए. Now you and I have the chance to go into the holy of holies. और एक वचन रोमन्स 5:8 में लिखा है. And one more verse in Romans 5:8. ये वचन बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ. रोमन्स 5:8. Romans 5:8. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. So जैसे किरण ने शेयर किया कि परमेश्वर के निकट आओ वो आपके करीब आएगा. Like Brother Kiran shared that when you come to God, God will come near to you. Brothers and sisters, प्रभु सृष्टि की आरंभ से ही हमारे पीछे आना हम देखते हैं यहाँ पर. Brothers and sisters, we see that from before creation that God is coming after us. Adam ने जब पाप किया था जानता है उसकी नंगापन को देखा और जाकर झाड़ों के पीछे छुप गया. When Adam and Eve sinned, they realized that they were naked and they went and hid behind the bushes. आपने कभी ध्यान दिया परमेश्वर उस वक्त भी वहाँ पर आया. Have you noticed that God came even there? Adam किधर है? And he asked Adam, where are you? तो परमेश्वर के करीब सीधी सीधी आने से जगह वो चुप गया.
So instead of coming straight away to God, they hid themselves. लेकिन परमेश्वर तब से आज तक परमेश्वर मनुष्य इंसान के पीछे आते हम देखते हैं यहाँ पर. And from that time to now, we see God coming after man. यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ. Jesus said, I've not come for the righteous, but for the sinful. क्योंकि जो कोई अच्छा हेल्थ में है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है. Because the one who is healthy doesn't need a doctor. मैं ऐसा बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है. And only the person who is sick needs a doctor. जब मैं प्रभु के पास जाऊँगा, वो मेरे पास जरूर आएगा. When I go to God, He'll definitely come near to me. Praise God for this opportunity, and it's good to be back after traveling for two weeks. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है वापस आने के लिए दो हफ्ते के बाद. पिछले लास्ट सैटरडे वी ट्रैवल. ओके, आई स्पीक इन हिंदी. सो पिछले हफ्ते हम गए थे चेन्नई पहले, एंड लास्ट वीक वी वेंट टू चेन्नई. चेन्नई में मेरा बायोमेट्रिक था, वीज़ा का अपॉइंटमेंट था. इन चेन्नई आई हैड द अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा फॉर माय बायोमेट्रिक्स. सो पहले तो हमको जब पता चला कि चेन्नई में जाना है, फिर उसके बाद हैदराबाद में जाना है, थोड़ा सा ये था कि कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे. सो हमने मैथ्यू अंकल से कॉन्टैक्ट किया, एंड फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे जाना है. So first we had to go to Chennai, then to Hyderabad, then we were wondering where we're going to stay, then we contacted Brother Matthew about our need. And उन्होंने बताया कि वहाँ पर चेन्नई में सैम अंकल रहते हैं, तो फिर हम वहाँ पर जा सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और हैदराबाद में महेश्वर राव अंकल रह सकते है, तो वहाँ पर हम रह सकते हैं. सो उनसे कॉन्टैक्ट करिए और फिर उनसे बात करिए. So Matthew uncle told us the people whom we can contact in Chennai and the person whom we can contact in when we go to Hyderabad, and so we were able to contact them and stay with them. तो हमने उनसे बात किया और उनको बताया कि ऐसा हम आने वाले हैं. एंड वो इतने वेलकमिंग थे, और उन्होंने एकदम बोला, लता आंटी ने सामने से कॉल करके बोला कि आप आ सकते हो यहाँ पर रहने के लिए. उन्होंने पूछा भी नहीं कि हम आना चाहते हैं. उन्होंने हम मैंने सिर्फ बताया कि ये दिन पे हमको चेन्नई में आना है. उन्होंने सामने से पूछा कि बताया कि आप आ सकते हो हमारे घर पे रहने के लिए. सो अभी जस्ट टोल्ड देम दैट वी हैड टू गो एंड stay on these particular dates, and they were so welcoming, and they themselves called and said, can you come and stay with us, and we just and they accommodated us very nicely. Yeah, ek cheez wahan par acha laga mujhko ki unke ghar mein do grandmothers already rehte hain, ek lata aunty ki mummy aur sam uncle ki mummy. Sam uncle ki mummy 97 years old hai, and lata aunty ki mummy 90 years old hai. And in their house, in Brother Sam's house, already two grandmothers were there. Brother Sam's mother and brother and sister Lata's mother. Brother Sam's mother is 97 years old, and sister Lata's mother is 90 years old. So, उनका ध्यान रखना and फिर हमको भी बुलाना उनके घर में, that is something challenging. जो उनका प्यार है उनके God, people of God के लिए. Taking care of them itself is quite a task, and welcoming us and hosting us is also quite a challenge, but that shows how a family their of love. God their yeah. love to wo ho gaya, fir biometric ho gaya, fir hum aa gaye Hyderabad ke liye nikal gaye, and tab ye Jenu ne humko bataya rasta mein, wo hamare sath thi कोई तो स्टेशन पर आने के लिए, तो वो उसने हमको हेल्प किया कैसे हमको चढ़ना है. वो अपना काम ख़त्म करके तुरंत हमारे साथ आ गई. एंड जेनु हेल्प्ड अस एंड टोल्ड अस हाउ टू विच स्टेशन टू गेट डाउन व्हेन वी नीडेड टू गो टू हैदराबाद, एंड शी फिनिश्ड हर वर्क एंड देन हेल्प्ड अस आउट. जब हम वहाँ पर थे, तो फिर वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा टाइम मिला फेलोशिप का. एंड जेनु वहाँ पर शेयर कर रही थी कि उसने सीखा, वो मैंने उसको पूछा था कि मुंबई में वो क्या मिस करती है, तो फिर उसने बताया कि वो फादर्स लव जो मैथ्यू अंकल में देखती है, वो सबसे ज़्यादा मिस कर रही है वहाँ पर. एंड वी हैड अ नाइस टाइम ऑफ फेलोशिप विद जेनु, एंड शी वाज शेयरिंग विद अस, एंड आई आस्क्ड व्हाट यू मिस लॉट मोस्ट ऑफ मुंबई, एंड शी सेड दैट फादर्स लव व्हिच ब्रदर मैथ्यू शोज दैट आई एम मिसिंग. और
उसके बाद हम हैदराबाद के लिए आ गए एंड नेक्स्ट सुबह हम हैदराबाद में आए और महेश्वर अंकल को बोला कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा आना है उनके घर में. सो हम 10 बजे तक उनके घर में पहुँच गए थे एंड हमने देखा वहाँ पर महेश्वर अंकल वॉज दी ओनली मैन और उनकी दो बेटियाँ हैं. तो उन्होंने ब्रेकफास्ट बना के रखा था, लंच बना के रखा था एंड जैसे हम उनके घर में आए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और अभी थोड़ा टाइम आप ये कर लो, रेस्ट वेस्ट कर लो एंड फिर मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ ऐसे. देन व्हेन वी वेंट टू हैदराबाद द नेक्स्ट डे टू ब्रदर महेश्वर्स हाउस एंड ही बीइंग द ओनली मैन एंड ही हैज़ टू डॉटर्स, ही हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड ही टोल्ड अस व्हाट ऑल वी हैव टू डू एंड हाउ इट इज़ टू बी डन एंड देन ही वेंट फॉर वर्क. सो नेक्स्ट डे 7th को इंटरव्यू था. सो नेक्स्ट डे अंकल हमको लेके गए इंटरव्यू के प्लेस पे जहाँ पर कॉन्सुलेट है, उनकी गाड़ी से हमको लेके गए सुबह 7 बजे. सो द नेक्स्ट डे वी हैड इंटरव्यू एंड ब्रदर महेश्वर टुक अस टू द कॉन्सुलेट वेयर वी हैड टू अटेंड द इंटरव्यू. वहाँ पर हमने महेश्वर अंकल का डेडिकेशन एंड प्यार देखा कि वो सुबह 5 बजे उठे और 5 बजे उठ के उन्होंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया उनकी बच्चियों के लिए, हमारे लिए. एंड देयर वी सॉ ब्रदर महेश्वर्स डेडिकेशन. ही वोक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड मेड ब्रेकफास्ट एंड लंच फॉर अस एंड फॉर हिज डॉटर्स. फिर वो हमको छोड़ने आए एंड फिर इंटरव्यू के लिए हम गए. तो इंटरव्यू प्रिपेरेशन के टाइम ये एंग्जाइटी था मेरे अंदर, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट था एंड मैं खुद के माइंडसेट पे डिपेंड कर रही थी कि मैं विल आई बी एबल, क्या मैं कर पाऊँगी क्लियर ये वो. एंड इंटरव्यू आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई इंटरव्यू बिकॉज इट वॉज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉज वंडरिंग हाउ इट विल गो एंड विल आई बी एबल टू मेक इट. और एंड वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, एक चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट्स था लेके जाने का एंड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी थे जो हमारे पास नहीं थे, बट हम हमारा परिवार का एक ये था कि हमारे पास जितने भी है जो भी है हम ऑनेस्टली वहाँ पर लेके जाएंगे, दिखाएंगे और ऑनेस्टली आंसर्स करेंगे. एंड दे हैड अ चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वी हैड टू टेक बट वी डिडंट हैव सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड एंड वी डिसाइडेड दैट व्हाटएवर इट इज दैट वी विल बी ऑनेस्ट एज अ फैमिली एंड रिस्पॉन्ड टू देम. एंड मैंने ऐसा प्रेयर किया सुबह में कि गॉड जो भी आउटकम होगा मैं उसको पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे नहीं लूँगी, मैं उसको आपकी इच्छा है वो आपका विल है मैं उस हिसाब से लूँगी उसे. सो आई टोल्ड गॉड आई विल नॉट टेक इट व्हाट एवर द आउटकम इज इट विल नॉट बी लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव बट आई विल टेक इट एज इट इज योर विल. एंड एक यही चीज़ था कि गॉड आपका पर्पस मेरे लाइफ में फुलफिल होना चाहिए, जो भी मेरा इच्छा है वो मुझे नहीं चाहिए बट आपका जो पर्पस है मेरे लिए सही जो है जो मेरे फ्यूचर के लिए सही है वो पूरा होना चाहिए. एंड आई सेड गॉड आई वांट योर पर्पस टू बी फुलफिल इन माय लाइफ नॉट माय विश एंड डिजायर बट व्हाट यू हैव प्लान्ड एंड पर्पस फॉर मी. देन वो पीस आया मेरे अंदर, थोड़ा सा एंग्जाइटी फिर भी था फिजिकली बट वो पीस आया कि फ्यूचर का अभी कोई टेंशन नहीं है, जो भी है गॉड संभाल लेंगे, बस उनको सबमिट कर दिया वो देख लेंगे. And after praying this, I had a peace that God gave me that I had no more worry or fear of the future, that whatever it is, God will take care of me. And then visa hua, fir interviews hua, fir unhone zyada question bhi nahi pucha, document bhi check nahi kiya, unhone bola ki theek hai aapka visa approve kar raha hu main. And the interview happened and for the visa also it visa also was done and the interview also happened and they didn't ask many questions and they said okay we are okay with the documents. उधर मैंने देखा कि वो सिर्फ गॉड का ग्रेस था मेरे ऊपर कि उन्होंने जो स्मूथली गया वो सिर्फ गॉड का ग्रेस था कि वो खत्म हो गया वैसे. And I can acknowledge this that it whatever happened there the way it went on smoothly it was just purely God's grace. फिर हम घर पर आए और फिर तुरंत निकल गए वापस मुंबई आने के लिए. एंड वी केम बैक एंड देन वी लेफ्ट फॉर मुंबई. फिर ट्रेन में मैंने देखा कि वहाँ पर लोग कितने दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए. एंड इन द ट्रेन आई सॉ दैट हाउ पीपल कम फ्रॉम सो फार अवे टू वर्क. यहाँ पर हम लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं कितना गर्दी है, कितना
कितना सारे लोग जाते हैं वहाँ पर. And here we travel in local and we keep complaining about crowd and everything. But over there people are coming from quite far away. तो हम कितने blessed हैं जो हम यहाँ पर रहते हैं कि अगर एक ट्रेन नहीं है तो दूसरा ट्रेन आएगा, दो मिनट बाद आएगा, तीन मिनट बाद आएगा, बट वहाँ पर कितने घंटों बाद एक ट्रेन आता है, वो भी इतने गर्दी में आता है. And there, yeah, if we miss one train, the next train will come in a few minutes. But there, after many hours, there'll be only one train. फिर हम मुंबई आए, दादर में आए, एंड तुरंत मेरे को ग्लोरी के साथ जाना था सूरत में. एंड वी केम बैक टू मुंबई एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू गो विद ग्लोरी. सूरत चिंचपाड़ा में मिशन हॉस्पिटल है, चिंचपाड़ा क्रिश्चियन हॉस्पिटल करके, वहाँ पर 5 दिन हमें रहना था. एंड सूरत चिंचपाड़ा देयर वाज अ मिशन हॉस्पिटल एंड आई हैड टू बी देयर फॉर 5 डेज. वहाँ पर हमको बहुत सीखने मिला. जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे वो बिलीवर डॉक्टर थे, एंड वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, वो कैसे फेलोशिप करते थे एज अ डॉक्टर और पेशेंट के साथ. जो भी पेशेंट वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में आता था उनको वो गॉस्पेल शेयर करते थे. एंड इन चिंचपाड़ा आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई वाज एबल टू सी द डॉक्टर्स हाउ दे वर्क एंड हाउ दे हैंडल पेशेंट्स. द बिलीवर दे ऑल द डॉक्टर्स आर बिलीवर डॉक्टर्स एंड हाउ दे handle patients, and if the patient is really sick they share the gospel with them. वहाँ पर बीते जो वहाँ पर employees थे वो ज़्यादा बड़ा hospital नहीं था, maybe 80 to 90 beds वाला hospital था. और वहाँ पर जो भी workers थे वो लोग, उनको भी God के बारे में पता था, and वो अपने घर में हर week meetings host करते थे. Sunday meeting होता, Sunday meeting director के घर में होता था, तो हमको वो भी अपॉर्चुनिटी मिला कि हम डायरेक्टर के घर में जाके फेलोशिप करें. एंड इवन ऑल द अदर स्टाफ आल्सो वर बिलीवर्स एंड दे हैव वीकली मीटिंग्स एट देयर प्लेस एंड संडे मीटिंग हैपेंस इन द डायरेक्टर्स हाउस व्हिच वी वर एबल टू अटेंड. वहाँ पर हम सब ने, हर एक डॉक्टर ने शेयर किया. एंड वहाँ पर वो ऐसे डिविजन नहीं था कि तुम्हारा पोजिशन क्या है, हमारा पोजिशन क्या है. वहाँ पर सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट थे. And there was no division like, okay, I'm a doctor or this thing. There was no division. Everyone was staying like brothers and sisters in Christ. सबने अपना difficulty share किया, हमने एक दूसरे के लिए pray किया, हम एक दूसरे के लिए रोए. And everyone shared their difficulties and their problems and they prayed for each other and they were crying for each other. तो वहाँ पर एक सिस्टर थी, डॉक्टर फीबी करके एक सिस्टर थी, उन्होंने जब हम फेलोशिप कर रहे थे तब उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने ये सिर्फ ड्रीम में इमेजिन किया था कि ऐसा एक वर्क प्लेस होगा जहाँ पर वो काम भी करेंगे एंड गॉड को सर्व करेंगे साथ में. एंड वी हर्ड द टेस्टिमनी ऑफ वन सिस्टर फीबी हु सेड दैट इट वाज ओनली हर ड्रीम, शी वुड ओनली इमेजिन इन अ ड्रीम ऑफ अ प्लेस लाइक दिस वेयर शी वुड बी एबल टू वर्क एंड सर्व गॉड. एंड मैं भी एक कल्पना ही कर सकती हूँ कि ऐसा एक जगह पर जहाँ पर अभी जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वो एक कैथलिक कम्युनिटी है, तो वहाँ पर हम इतना फेलोशिप, इतना पास क्लोज नहीं है एक दूसरे से. एंड राइट नाउ व्हेन आई एम वर्किंग इन अ कैथलिक इंस्टीट्यूट देयर इज नॉट दिस मच क्लोजनेस ऑफ फेलोशिप. सो थैंक गॉड उन्होंने मेरे को वापस बताया कि हमारा एज अ क्रिश्चियंस हमारा पर्पस क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं उनके पीपल के लिए. एंड दे थैंक गॉड दैट आई वाज एबल टू हियर फ्रॉम देम दैट हाउ वी कैन सर्व गॉड एज गॉड्स चिल्ड्रन. प्रेज गॉड.